हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने चैनल मनी बैंक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट कुछ टाइम से हम अपना एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, सो उसके पीछे कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल रीजन है जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। कुछ इमरजेंसीज थी और पैरेलली कुछ टाइम कंस्ट्रेंट था जिसकी वजह से हम एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए लास्ट। बट होप फ्यूचर में हम अपनी जो कंसिस्टेंसी थी उसको मेंटेन करेंगे और वीडियो को हम टाइमली अपलोड करेंगे। आपके जो क्वेरीज होंगी उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टली एक हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर अभिनव, वो हमें ज्वाइन करेंगे ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपके रिव्यूज हों, जो भी आपकी क्वेरीज हो, उन पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें ताकि आप उसकी बेसिस पे डिसीजन ले पाएं कि फ्यूचर में आपको उसमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। इसके बारे में हमने अपने चैनल पे पहले बताया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शेयर काफ़ी ऊपर भी गया था, 200 प्लस उसने टच किया था और अभी मार्केट पूरा ही डाउन आया, सो शेयर फिर से डाउन आ गया। बट स्टिल कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं अभी वो काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपको उसके रिजल्ट्स के बारे में ही शेयर करूँगा। आप अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, एक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आप उसे एक बार देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और बेसिक जो हम अपने वीडियोज में बताते हैं वो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं, कंपनी फंडामेंटल कैसी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी। सो ये सब चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानने के लिए तो आप हमारे जो मैं लिंक अभी पेस्ट करूँगा अपने कमेंट बॉक्स में, आप उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एक उसका पूरा ओवरव्यू मिल पाए। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड क्वार्टरली रिजल्ट इनमें अभी 21 मई को दिए हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कर रही है, वो आपको पूरा आने वाले समय में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले एक कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी क्या है। सो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और अगर आप देखेंगे तो इसका मेजोरिटी जो मार्केट शेयर है वो है मोबाइल क्रेन्स एंड टावर क्रेन सेगमेंट का। ये कंपनी 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी की जो फैसिलिटीज हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वो फरीदाबाद और काशीपुर में इसके प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट है वो 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने के लिए कैपेबल है, साथ ही 9,000 ट्रैक्टर्स। इन्हीं के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी के और प्रोडक्ट हैं, मोबाइल एंड फिक्स टावर क्रेन, पिट क्रेन, लॉरी लोडर, बैकहो लोडर्स, वाइब्रेशन रोलर्स, फोर्कलिफ्ट्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। सो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के बेसिक प्रोडक्ट्स क्या हैं। सो कंपनी के रिजल्ट्स पे आते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं नेट सेल की। कंपनी की जो नेट सेल है वो आप देखिए 2017 मार्च में 223 करोड़ की थी। मीन्स अगर हम लास्ट ईयर एंड की बात करेंगे तो 223 करोड़ की थी और अभी 2018 मार्च में ये 367 करोड़ की हुई। अब देखिए दिसंबर में भी इन्होंने अपनी ग्रोथ करी थी और मार्च में भी इन्होंने अपनी ग्रोथ शो करी है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल अपनी नेट सेल को ग्रोथ किया है। साथ ही जो इससे लिंक्ड पैरामीटर होते हैं लाइक एबिटा, एबिटा की बात करें तो 2017 में कंपनी का एबिटा था 50 करोड़ का और अभी मार्च में कंपनी का जो एबिटा हो गया वो 50 करोड़ का हो गया है। मीन्स यहाँ पे 3 times कंपनी ने एबिटा को ग्रो किया है। कंपनी की नेट सेल्स अच्छी हुई है, कंपनी का एबिटा अच्छा है, तो इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे गेन हुए हैं तो हम देखते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। कंपनी जो भी प्रॉफिट गेन कर रही है टैक्स पे करने से पहले
वो है मार्च में अगर हम देखेंगे 2017 में तो वो 9 करोड़ के थे, और अभी मार्च 2018 में वो 34.46 करोड़ से हो गए। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 to 3.5 times कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के मार्च 17 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस थे 7.37, और 2018 में 21.46। सेम अगर आप देखेंगे तो 3D कंपनी नेट सेल बढ़ने के साथ साथ कंपनी का एबिटा भी काफी अच्छा है, और एबिटा अगर अच्छा है तो कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे गेन हुए हैं। कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए ग्रो किया है, और अगर कंपनी इतने अच्छे रिजल्ट शो कर रही है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कंपनी की फोरकास्टिंग क्या है और कंपनी आने वाले समय में कितना अच्छा ग्रोथ कर सकती है। बात करते हैं सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की। ये जो मैंने आपको रिवेन्यू यहाँ शो किया है वो है मार्च 2017 एंड मार्च 2018 का, और ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये लैक्स में है, 1000 लैक्स का, और इस ईयर वो हो गया 74,900 लैक्स का। तो आप देखिए कंपनी का जो रिवेन्यू है क्रेन सेगमेंट में काफी अच्छा है। पैरेलली हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में लास्ट ईयर 4,800 का था और अभी 7,100 लैक्स का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। सो इसमें भी रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। थर्ड बात करेंगे मेटल हैंडलिंग। सो मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर 5,290 का इनका रिवेन्यू था, और दिस ईयर इन्होंने जो बुक किया है वो है 8,075 लैक्स का। सो आप देखिए जो भी सेगमेंट्स हम आपको बता रहे हैं ये सारे ही सेगमेंट में काम करते हैं, और सारे ही सेगमेंट में इनका जो रिवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। लास्ट एग्री इक्विपमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर ये 15,000 करोड़ लैक्स का था, और अभी इन्होंने 18,483 लैक्स का अपना रिवेन्यू जनरेट किया है। सो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली अगर देखेंगे तो ग्रो कर रहा है, और साथ ही अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू 75,103 लैक्स का था लास्ट ईयर, और इस ईयर वो अभी 1,08,648 लैक्स का हो गया। अभी तक हमने जो भी देखा कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमें काफी पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, और काफी पॉजिटिव लग रहे हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर से लेकर अभी तक अपनी नेट सेल को इंक्रीज किया है, एबिटा को इंक्रीज किया है, कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। साथ ही अगर कंपनी के रिवेन्यू को देखिए कंपनी का टोटल रिवेन्यू भी ग्रो किया है, और कंपनी के जो सेगमेंट वाइज जो रिवेन्यू है अलग अलग सेगमेंट के, क्रेन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और एग्री इक्विपमेंट, उन सब में भी कंपनी ने अपने रिवेन्यू को ग्रो किया है। कंपनी किसी भी सेगमेंट में पीछे नहीं है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, कंपनी की फोरकास्टिंग अच्छी है, कंपनी के जो आगे फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जो हमने पहला इसका वीडियो अपलोड किया था केस का, उसमें हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि कंपनी के जो MD है या कंपनी के जो चेयरमैन है वो आने वाले समय में अपनी कंपनी को किस तरीके से फोरकास्टिंग कर रहे हैं, कंपनी ग्रोथ को किस तरीके से देख रहे हैं। आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और काफी कुछ आपको वहां से लर्निंग मिलेगी, काफी कुछ आपको वहां से सीखने को मिलेगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप कंपनी की और आने वाले समय में कंपनी ग्रोथ को देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपनी आने वाले समय में अपने आपको कैसे ग्रो करेगी। टोटल प्रॉफिट को देखें तो हमने यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट दिखाया है वो लास्ट ईयर 2017 मार्च का शो किया है, और अभी जो मार्च में रिजल्ट आए 2018 उसको शो किया है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 7.37 करोड़ था, और इस टाइम जो कंपनी ने अपना टोटल प्रॉफिट शो किया है वो है 21.45 करोड़। आप यहाँ देखिए 191% जो ईयरली चेंजेस हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, तो दैट इज रियली अ गुड साइन कि कंपनी
अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है और अच्छा प्रॉफिट शो कर रही है। अब बात करते हैं कि और अगर हम बैक में जाएं और कंपनी के ग्रोथ को देखें कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, तो आप देखिए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने। जून 2014 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 1.09 करोड़ का, और उसके बाद कंपनी ने अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपने प्रॉफिट को ग्रो किया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस ईयर कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 21.45 करोड़ का। सो दैट इज रियली अ गुड साइन कि कंपनी अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रही है। कंपनी अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रही है और आगे बढ़ा रही है। ये कुछ न्यूज हेडलाइंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी को बेस्ट मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी का अवार्ड मिला है 2017 के लिए। सो ये टॉप 50 कंपनीज होती है जिनको ये अवार्ड मिलता है, जो कि कंपनीज अपने कंट्री के लिए एक सक्सेसफुली सिग्निफिकेंट रोल शो करती है कि हाँ कंपनी जो है कंट्री को किस तरीके से कंपनी कंट्री की सक्सेस के लिए रोल प्ले कर रही है। सो ये अवार्ड इसको मिला है। सेकंड अगर हम बात करें तो कंपनी को बेस्ट सेलर इन मोबाइल क्रेन कैटेगरी एट फिफ्थ इक्विपमेंट इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2018 के लिए, अवार्ड 2018। और ये जो अवार्ड है कंसेक्यूटिवली अगर आप देखेंगे तो थर्ड ईयर मिल रहा है, लगातार तीसरी बार इसको ये अवार्ड मिल रहा है। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे कमाए हैं, उसी के बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी अच्छा बढ़ा है। इसी के साथ साथ कंपनी ने जो अपना डिविडेंड है, डिविडेंड को भी कंपनी ने पिछले साल से अच्छा डिविडेंड पे करने की कोशिश की है, और कंपनी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि 25% हम जो इसका इक्विटी शेयर प्राइस है ₹2 का, इस पे हम 25% का इस ईयर हम आपको डिविडेंड पे करेंगे। सो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, आप कंपनी को देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो भी हम आपको अपने चैनल पे बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए होता है। हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम कंपनी के बारे में अच्छे से अच्छा जानें, स्टडी करें, और उसके बाद उसकी जो भी पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ताकि आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकें, और अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगे तो आप उसमें अपने डिसीजन पे एक रिसर्च करें। और साथ ही अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है उससे सलाह लें, और अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो उसमें इन्वेस्ट करें। देखिए मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी नहीं है, जितना लोगों को लगता है कि इजी है मैं कहूँगा बिल्कुल भी इजी नहीं है। बिकॉज आपको अगर किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है उससे पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। और ये जो हमारा चैनल है हम उसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी उसके बारे में एक अच्छे से जाने, और अगर आपको शेयर में कुछ लगता है कि हाँ इसमें दम है तो आप अपने लेवल पे उसकी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछें, और उसके बाद ही उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए, और वो किसी भी शेयर के बारे में अगर नॉलेज लेना चाहे तो वो जान सके। और हम आपको यही एश्योरेंस देते हैं कि आने वाले समय में हम अपने चैनल पे कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोगों को भी जो रिव्यूज़ किसी भी शेयर के बारे में जानने हैं तो हम आपको बता सकें। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उसमें आपको जो भी कमी लगती है या जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि हम आने वाले समय में अपनी वीडियो को और भी अच्छा बना सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितने मैक्सिमम लोग हो सके उनको इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।